देखेंगे 3-ethyl, इसके बाद देख लीजिए हमें मिथाइल मिल रहा, तो भी हमको 3 पे ही मिल रहा है, इसके बाद लिखेंगे 3-methyl, इसके बाद हमको कोई भी ब्रांच नहीं मिल रहा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है, टोटल कार्बन 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड AN, अल्कोहल हमको 3 जगह मिल रहा है, 1 पे 2 पे और 5 पे, तो 1, 2, 5 तीन के लिए ट्राई, और कौन सा है अल्कोहल, अल्कोहल काइफेसिस एम्बल ऑयल, यानी इसका नाम हो जाएगा 3-ethyl 3-methyl पेंटेन 1-2-5 ट्राई ऑल, और इसका एक और नाम लिख सकते हैं 3-ethyl 3-methyl 1-2 एक अल्कोहल जुड़ा है। तो इस कंडीशन में आपका ये जो साइक्लो है एमेन चेन हो जाएगा, इसको छोड़कर जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिनती, तो गिनती हम लोग हमेशा अल्कोहल से शुरू करेंगे, तो 1-2-3-4-5 यानी इसमें जो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ethyl। अब इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट रहा नहीं, तो हम लोग नाम लिखेंगे मेन चेन का, तो मेन चेन सबसे पहले बंद है, क्लोज है, तो क्या लगाएंगे साइक्लो। अब टोटल कार्बन है 5-5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड AN, EE को हटा देंगे, कितने पे अल्कोहल 1 पे, यानी समझ में आ गया। तो इससे आप लोग 7 रिएक्शन को पूरा करते हैं, और हम कहते हैं कि इससे आपको कोई आसान विधि नहीं मिलेगा, ये काफ़ी आसान सा, तो क्या मिलेगा CnH2n+1 और साथ में OH। तो आपको कभी बताया गया होगा कि ये जो CnH2n+1 है इसे हम लोग अल्काइल कहते हैं, और इस अल्काइल को हम लोग R द्वारा डिनोट करते हैं, यानी हमें यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मूला वही मिल रहा है ROH, और R के स्थान पर हम लोग रखेंगे CnH2n+। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो RCH ROH, ये जो हमें अल्कोहल मिल रहा है 2 डिग्री का मिल रहा है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो RCRROH, ये जो हमें अल्कोहल मिल रहा है 3 डिग्री का मिल रहा है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल पहचानने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, तो आप आसानी से तीनों फार्मूला को समझ सकते हैं। जाकर टूटेगा, इसके साथ जुड़ेगा, यानी क्लोरोबेंजीन प्लस N2+H के साथ Cl क्या बन जाएगा, HCl, यहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ये हमें क्या बन रहा है क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये हमें प्लस, ये हमें मुक्त होगा, ये हमें माइनस मिल रहा है, प्लस माइनस यानी इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी बेंजीन के साथ इसमें क्या जुड़ने वाला है ब्रोमीन, यानी क्या बनने वाला है ब्रोमोबेंजीन प्लस N2+HCl, यानी इसमें हमको क्या मिलने वाला है, एक हमारा होता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा होता है भाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देख लीजिए इसमें क्या है, दोनों में अंतर, तो कहता है कि वैसा अभिक्रिया चाहे वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा परमाणु ही विघटित होते हैं, यानी अल्फा परमाणु टूटता है और किसी भी कोई परमाणु में कोई अंतर होने वाला नहीं है, और दूसरा कहता है कि वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा परमाणु के साथ साथ बीटा परमाणु भी टूटता है, मिल रहा है हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, और ये सब किससे बन रहे हैं, तो अल्कोहल से बन रहे हैं, यानी कहने का मतलब है सामान्य रूप से अल्कोहल इतने के साथ अभिक्रिया कर हेलो एल्केन का निर्माण करे।